साइकोलॉजी के अनुसार आपको अगर ये तीन संकेत मिल रहे हैं तो ये चीज़ें पक्की हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर तीन पे, प्यार में धोखा देने वाले का आईक्यू आम लोगों की तुलना में बहुत ही कम होता है या फिर कम होता है। ऐसा क्यों? धोखा वही लोग देते हैं जिनमें ज़्यादा वैल्यूज़ या किसी की फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं होता। वो किसी की भी फीलिंग्स को बर्बाद कर सकते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, और वो ना ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि किसी को बुरा लग जाएगा या फिर क्या सोचेंगे वो। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे मैच नहीं हो रहा है, बस कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं अब किसी और के प्यार में हूँ, मुझे कोई लेना देना है नहीं, तो वो धोखा दे देते हैं। तो उनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, ना उनको सोच की समझ होती है, ना उन्हें किस तरह से सोचना है वो होता है। ये साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा मानना है, ज़्यादातर लोगों में ये पाया गया है। नंबर दो पे, एक महिला दूसरी महिला की तारीफ करना पसंद नहीं करती। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है। और आप कहेंगे कि रिसर्च हुआ कहाँ, तो एक मैं ब्लॉग पढ़ रहा था उसमें मुझे मिला, लेकिन अब ये रिसर्च भी कितना सच्चा है ये भी मुझे नहीं पता। अब आपके आसपास कितनी महिलाएं हैं जो और महिलाएं की तारीफ़ करना पसंद करती है या नहीं करती, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसका कारण ये बताया गया है कि एक महिला के अंदर ईर्ष्या भाव ज़्यादा होता है, इसीलिए वो दूसरी महिला की तारीफ़ करना पसंद नहीं करते कि वो मुझसे अच्छी हो जाएगी, अच्छी दिखने लगेगी, अच्छी उसकी तारीफ़ होने लगेगी तो वो मुझसे आगे। ऐसी एक प्रकार की ईर्ष्या बताई गई है कारण में, इसके कारण वो दूसरी महिलाओं की तारीफ़ नहीं करती, या फिर तारीफ़ हो रही है तो मुँह चुप करके बैठ जाती है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नंबर एक पे जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आपको काम आएगा, लड़की अगर ज़्यादा हाथ हिला हिला कर बात करे तो ज़्यादातर केसेस में वो सच बोल रही है, ऐसा साइकोलॉजी का कहना है। क्योंकि जो लड़की कॉन्फिडेंस से भरी हुई है वही अपनी बॉडी लैंग्वेज का पूरा उपयोग करेगी, जिसके अंदर शर्म नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद सच बोल रही हूँ, मुझे क्यों डरना। इस वजह से वो लड़की हाथ हिला कर आपको बात अपने दिमाग में पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से सच बोल रही है। और ये सच की ताकत है कि उनके हाथ अपने आप ही इमोशंस में हिल रहे हैं। ज़्यादातर लड़की ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जो करती है वो ज़्यादातर सच बोल रही होती है। ये साइकोलॉजी का फैक्ट है, ये साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है। देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्ट का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों में देखी गई है। आपके आसपास कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तीन साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मानना है ये फैक्ट के बारे में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे, जी बी एफ राजा मजमू लला, जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर, लिव बेटर।